सत श्री अकाल, स्वागत सारयां दा देश प्रदेश लाइव प्रोग्राम दे विच। मैं तुहाडा अपना दोस्त अमन हाजिर हाँ जी। लैके अज खास उपराला कीता है जी, शो दे विच नहीं, तुहानूं सैमीनार दे विच लैके आए हाँ, जिथे काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग कंट्रीज़ दे विचों आ के बच्चों नाल मिल रही ने, बच्चों नूं जिहड़ी प्रॉपर जानकारी है स्टूडेंट वीज़ा संबंधी दिती जा रही है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ वालों एक खास उपराला किया गया जिहदे करके काफ़ी बच्चों ने इत्थे विजिट किया। अज दिल्ली दे विच असीं इस शो नूं लैके दिल्ली दे बच्चों नूं मिलांगे, यूनिवर्सिटीज़ नूं मिलांगे, कॉलेजेस नूं मिलांगे, तो समझने की कोशिश करा एक्चुअल उन्होंने किस तरह की प्रोफाइल चाहिए है, तो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स की क्वेरीज की ने। सो आओ चलते हैं जी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के फेयर दे विच। अपॉर्चुनिटी के फेयर के असं आ चुके हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस टाइम विजिट कर चुके हैं। मेरे ख्याल काफ़ी तुम देख सकते हो मेरे पिछे, इतने स्टार्टिंग बच्चों प्रॉपर जिते जानकारी दी जा रही है, जितों बच्चों की एंट्री है। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा दिल्ली तो इतने विजिट किए हैं, यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ने, हर एक ना गलबात करांगे। कुछ स्टूडेंट्स ने जो इस टाइम लाइन के उन्होंने गलबात करने की कोशिश करते हैं। भाजी एक मिनट, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाजी, की नाम है तुम्हारा? बलविंदर सिंह। बलविंदर जी कितों आए? मैं दिल्ली तो। सर मैं कॉलेज बारे पूछना चाहता कैनेडा के, जिद मेरा एडमिशन मैं आराम ना मिल सके, तो उत्थे दी फैसिलिटीज़ मैं आराम ना अवेलेबल हो। की होया तुसी प्रोफाइल की है, थोड़ा जिहा मैं बारे पूछना चाहूँगा। सर मैं हुणे जस्ट पास आउट हाँ, 12th पास आउट हाँ, तो मैं कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम इंट्रस्टिड हाँ, तो इसलिए मैं उत्थे जाना चाहूँगा। 12th कौन से सब्जेक्ट में की थी? मैं नॉन मेड। नॉन मेडिकल कितने परसेंट नंबर? मेरे 67%। 67 ते कनाडा बारे जानकारी? हाँ जी। ते ग्लोबल अपॉर्चुनिटी दे इस फेयर दे विच आए हो, कोई खास करो जिहड़ी होमवर्क या प्रिपरेशन या कुछ रिसर्च कीती होवे जिहदे बारे खास करो? हाँ, जिहड़े जिहड़े जिदा GBC या सैनिका कॉलेजेस जिहड़े ने टॉप कॉलेजेस, उन्हां बारे मैं पूछना चाहुंदा कि मैं एलिजिबल हाँ उन्हां इत्थे एडमिशन वास्ते, कि मेरा कंडीशन ऑफ लैटर भी नहीं आएगा उत्थों दी। जैन इंटेक लिए अप्लाई करना चाहो? हाँ जी। तो मेरे नाल एक होर स्टूडेंट ने, पहले उन्हां नाल गलबात करदे हां। सत श्री अकाल जी, की नाम है तुहाडा? Hi, I am Gunav. मेरे को कैनेडा जाने, तो उसके लिए पता करने आया हूँ। क्या प्रोफाइल? प्रोफाइल मतलब क्या किया हुआ है आपने आगे? मैंने साइंस पढ़ी हुई है, मेडिकल साइंस, तो अब मेरे को आगे उस फील्ड में जाना है। एक अपने वो रिसर्च होती है, बच्चा होमवर्क करके आता है, की होमवर्क किया हुआ है? मैंने यूनिवर्सिटीज़ देखी हुई हैं बहुत सारी, फीस स्ट्रक्चर देखा हुआ है और कोर्स सेलेक्ट किया हुआ है, तो बस मैं यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करने आया हूँ। ऑलरेडी पहले होमवर्क किया हुआ है? हाँ, सारा करो। सो अज जिवें तुहानूं पता है देश प्रदेश दे विच खास उपराला किया गया, जिहड़े ग्लोबल अपॉर्चुनिटी वालों एक फेयर बहुत वड्डा ऑर्गेनाइज किया गया सी, जिहदे विच काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ नूं सद्दा दिता गया। उहदे विच काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ नाल असीं गलबात भी करांगे, तुहानूं उहदे विच मिलावांगे रिप्रजेंटेटिवस नाल, उहनां दे कोर्सेज़ बारे प्रोग्राम्स बारे भी तुहानूं उहदे नाल गलबात करावांगे। बट पहले मैं गल करना चाहुंदा जिन्हां ने उपराला किया, खास करके सोच लैके आए ने, उस सोच दे पिछे मकसद की है। मैं मिलाना चाहुंदा तुहानूं ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ तो उन्होंने CEO सिद्धार्थ गुप्ता जी दे नाल, ते नाल नाल अज मैम भी साडे नाल ने, सो उन्हां दा भी स्वागत करांगे। सिद्धार्थ जी दा भी स्वागत, बहुत बहुत स्वागत सर दोनों दा। थैंक यू अमन जी, थैंक यू, वेलकम टू आवर शो। सिद्धार्थ जी, यह जो उपराला खासकर इन्ना वड्डा सैमीनार अरेंज किया, यूनिवर्सिटीज़ नूं सद्दा दिता, मेरे ख्याल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ने, की सोच है इहदे पिछे? अमन जी, जिवें मैं अपने लास्ट शो च भी किहा कि साडी कोशिश रहिंदी है कि टू वर्क फॉर द यूथ ऑफ इंडिया, उन्होंने किवें गाइड करो, तो जो सा ग्लोबल फ्लेयर है, साडा ग्लोबल फ्लेयर है प्लेटफॉर्म एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन टू द स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑप्शन चाहिए हैं। कोई UK जाना चाहता है, कैनेडा जाना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, न्यूजीलैंड जाना चाहता है, US जाना चाहता है, दे गेट टू मीट डेलीगेट्स, पूरे हर कंट्री के उन्होंने डेलीगेट्स इतने मिलते हैं। तो कोई लैस से बच्चा कोई दो कंट्रिया कन्फ्यूज है, इतने आके उन्होंने काफ़ी डाउट्स क्लियर होंगे हैं, तो बहुत कंट्रीज अप्लाई कर सकते हैं। तो द आइडिया इज कि स्टूडेंट की सारी क्वेरीज हर कंट्री बारे रिजॉल्व होनी चाहिए है। सो स्टूडेंट नूं एडवांटेज तो जरूर होंगी है जो रिप्रजेंटेटिव मिलते हैं। हुण जिवें इत्थे बच्चे थोड़े कन्फ्यूज़ नहीं हो जाते, तुहानूं लगता भी UK भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, कैनेडा भी है, होर भी ऑप्शनस काफ़ी ने, इत्थे बच्चा कन्फ्यूज़ नहीं हो जाता, डिसीजन की लवां? अमन जी, बेसिकली जो बच्चे साडे कोल आते ऑलरेडी माइंड बना के आते उन्होंने कि कंट्री जाना है, तो साढ़े को अराउंड 5-10% यहोजे बच्चे आते जो दो कंट्रिया कन्फ्यूज़ है,
तो जो दो कंट्री में कन्फ्यूज बच्चे है वो इतने आके बाकी डेलीगेट्स को मिलकर उन्होंने ओपीनियन लैके अपना इनफैक्ट माइंड फॉर्म अप करते उन्होंने कितने जाना है बिकॉज लाइक ए सैड स्टूडेंट्स जो आते नॉर्मली अपना माइंड मेकअप करके आते उन्होंने कितने जाना है बाकी साढ़े को स्पेशलिस्ट टीम बैठी है जेडे स्टूडेंट्स के अकैडमिक मार्क्स देख के आयल्स देख के जोग्राफिकल देख के उन्होंने फंडिंग देख के उन्होंने राइट कंट्री एडवाइस कर दिया है सो आई वुड से कन्फ्यूज हो बच्चे कन्फ्यूज नहीं होते बट दे गैट अ कंट्री ऑफ दे चॉइस दैट दे वॉन्ट टू गो फॉर सो इतने मैम भी गल करना चाहना मैम थोड़ा जहा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी बारे उन्होंने पॉलिसीज बारे तो फेयर बारे थोड़ा जहा मैं जरूर चाहूँगा एक्चुअली मेरा रोल ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज में मोस्टली ये है कि हमारी 18 ब्रांचेज हैं तो आई लुक आफ्टर की ऑपरेशंस ऑफ द ब्रांचेज एंड टू हेल्प देम टू कंडक्ट द फेयर्स वी फील कि इतनी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए सो दैट यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो हैप्पी एंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे एंड फॉर दैट वी डू लॉट ऑफ प्रमोशंस एंड लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट टी वी शोज and Facebook pe lot of ads we do and we get lot of data from that and then we do lot of calling from that data and we make sure jo student aa raha hai unko quality counseling de and then they can meet the universities of their choice unko achhi university mile acha course mile and they are happy at the end of the day and they make their right careers ek student jado counselor kol consultant kol visit karda hai वो भी काउंसलिंग लै सकता अज तुम बहुत व्डे पद्धर से उपराला किया भी इन यूनिवर्सिटीज़ में इको छत के थले जो कह लिए वन स्टॉप शॉप बनाता ये एडवांटेज की है एक स्टूडेंट की देखते हो एक्चुअली जब स्टूडेंट आते हैं दे आर कन्फ्यूज कि कौन सी कंट्री में जाएँ कौन सा कोर्स करें सो फर्स्ट दे मीट द काउंसलर काउंसलर उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखता है और उनके अकॉर्डिंगली उनके बजट उनकी क्या कौन से कोर्स के लिए जाना है उनको बैंक लोन मिल सकता है कि नहीं उनकी इंग्लिश कैसी है अकॉर्डिंगली हमारे काउंसलर्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंडिया के बेस्ट काउंसलर्स हमारी टीम में हैं तो दे डू प्रॉपर काउंसलिंग जो कि स्टूडेंट के प्रायोरिटी से बेटर ही हो अगर किसी स्टूडेंट के 60% हैं उसकी इंग्लिश भी कम है या उसको हम फिर गाइड करते हैं कि ये इंग्लिश का कोर्स किया जाए और अकॉर्डिंगली अगर उनके पास पैसा भी नहीं बजट लोन कैसा कैसे लेकर जाया जा सकता है एंड देन वी टेल देम कि अकॉर्डिंगली हम सारे उनकी शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं यूनिवर्सिटी ताकि उनको बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मिले वो अपना बैंक लोन भी दे सके बाद में आफ्टर दी कोर्स उनके पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन ना हो एंड देन वो अपने लिए भी अर्न कर सकें सो दैट वी वॉन्ट कि स्टूडेंट शुड बी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे एंड फिर वो हमें और रेफरेंसेस भी देंगे वी सेंड गुड हैप्पी स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा उपराला है जिद बड़ी ट्रांसपेरेंसी बच्चे तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है बहुत ट्रांसपेरेंसी बच्चा रिप्रजेंटेटिव मिलकर प्रॉपरली जी नॉलेज है एक जानकारी जी है चाहे कोर्स संबंधी है कंट्री संबंधी है अपने फ्यूचर सब्जेक्ट्स जॉब आउटकम्स हर चीज़ संबंधी उन्होंने जानकारी जी मिलती है इतने असी सिद्धार्थ जी मैम तो गल की है बट मैं इतने होर भी गलबात करना चाहना रिप्रजेंटेटिव कि यूनिवर्सिटीज़ इतने आई हैं कंट्रीज़ तो उन्होंने भी थोड़ा मिलाने उन्होंने की कहना किस तरह के स्टूडेंट्स उन्होंने चाहिए ने किस तरह के उन्होंने को प्रोग्राम्स ने वो आप गलबात करते हैं आओ चलिए सो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फेयर के अलग अलग रिप्रजेंटेटिवस अलग अलग कॉलेज अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के थोड़ा मिलाने का सिलसिला जोड़ा अभी जारी रखे मेरे नाल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के रिप्रजेंटेटिव मिलकर हर प्रोफाइल बारे गल कर रहे प्रेजेंट सिनेरियो बारे गल कर रहे हूँ न्यूजीलैंड बारे गल करनी भी बनती है नॉटेक तो आदित्य भट्टी जी मेरे नाल ने पहले स्वागत कर दी उन्होंने बहुत बहुत स्वागत सर शो थैंक यू जी आदित्य जी न्यूजीलैंड जिन्ना सौखा लगता सी पहले अज उन्ना ही कन्फ्यूजनस डाउट्स मन दे विच भरे हुए ने चाहे वह कंसल्टेंट की गल करिए चाहे स्टूडेंट्स की गल करिए प्रेजेंट सिनेरियो की देख रहे हो देखिए जी टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं जितना बना हुआ है जो अच्छे एजेंट्स हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन पूरी है इमिग्रेशन न्यूजीलैंड जो है वो बहुत सपोर्टिव है इंडस्ट्री के लिए चाहे वो एजेंट्स हों चाहे इंस्टीट्यूट्स हों लगातार हमसे मिलते रहते हैं बताते रहते हैं क्या पॉलिसीज़ हैं क्या रिक्वायरमेंट्स हैं तो अगर स्टूडेंट स्मार्ट होगा अच्छे एजेंट जैसे कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ आएगा तो आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी हूँ मैं मिलाना चाहूँगा थोड़ा कैनेडा के जॉर्ज ब्राउन कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव अनुषा जी ने सो वेलकम टू अवर शो मैम थैंक यू सो मैम जॉर्ज ब्राउन कॉलेज इज SPP कॉलेज So tell me something about their programs and what type of students you want from India now. Okay, so George Brown College is one of the oldest and largest colleges in Canada. We've been established since 1967 and the colleges began in 1966.
We're located right downtown in the heart of the city, and we offer all kinds of programs, including diplomas for your bachelor degrees and postgraduate certificate programs. Our strength is that at the colleges, you're getting a real hands-on practical experience, getting the students ready for the workplace. So what are the scope for the students who don't have a maths in a higher secondary? So the nice thing about George Brown is that we have a lot of pathways. So if the students don't meet a particular requirement for a degree, they can start with a diploma, because we do accept the 10th math or the 12th math from the Indian curriculum. So if they don't meet the requirements to go into a degree, they can start with a diploma and then bridge into a degree. So Fenshui College to Nidhi jo unna de representative ne mere naal ne te koshish karde ho Fenshui College bare gal baat karan di unna de programs bare gal baat karan di Nidhi kuch apne college ke programs ke bare mein bataiye kis tarah ke programs kis stream ke related bachcho ke liye hain जी फैनशॉ कॉलेज जो है लंदन सिटी कनाडा में लोकेटेड है जो कि 2 घंटे दूर है टोरंटो से हम प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं इंजीनियरिंग हॉस्पिटैलिटी बिजनेस जो कि काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम्स है हमारे जी काफ़ी बच्चों की क्वेरीज होती हैं नितिन जी भी हमारे पास मैथ्स नहीं है हायर सेकेंडरी में तो हमें कुछ कोर्स मिल पाएगा नहीं खासकर मैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके कॉलेज आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए या जो स्टूडेंट्स जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है ग्रेड 12th में वो अप्लाई कर सकते हैं हॉस्पिटैलिटी प्रोग्राम्स के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए बस अकाउंटिंग के लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है जी सो कुछ ये भी देखा है जब आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं दे आर वेरी मच विलिंग टू गो टू कैनेडा फॉर स्टडी बट जैसे सब्जेक्ट थोड़ा ईजी ले लिया मैं शायद आप समझ रहे हैं जैसे फिजिकल एजुकेशन ड्राइंग ऐसा उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है फैंसी कॉलेज में कुछ है उसके रिलेटेड जैसा मैंने आपको बताया हॉस्पिटैलिटी प्रोग्राम्स बहुत पॉपुलर हैं वो भी जा सकते हैं जी जी बिल्कुल जा सकते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक्चुअली काफ़ी बूम पे है कनाडा में सो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल रहती हैं बच्चों के लिए तो अभी जैसे पिछला इंटेक बहुत अच्छा गया है कनाडा का बहुत अच्छा रिजल्ट आया जो सितंबर की बात करें 2016 की अभी आने वाले में उतना ही क्रेज बढ़ा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं फैंसी कॉलेज कुछ खास क्राइटेरिया जो देख रहा है अभी ये स्टूडेंट्स हमें चाहिए यही लेंगे उससे ज़्यादा नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स की क्वालिटी हर साल बहुत बढ़िया होती जा रही है बहुत बढ़िया IELTS स्कोर लेके आते हैं बच्चे अपने लास्ट अकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो कोई चांस ही नहीं होता उनको रिजेक्ट करने का हमें सो जैसे एजुकेशन की गल कर रहे हैं उसे लैंग्वेज की भी गल करनी बनती है क्योंकि लैंग्वेज जी है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चे लिए जो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश की गल करते हैं अब्रॉड पढ़न जाना है जो लैंग्वेज के कमांड ना हुई कम्युनिकेशन लैवल चंगा ना होया तो बच्चा जाके प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाँगा वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है IELTS बारे जानकारी लेना IELTS ऐसी एक चीज़ है IELTS जिन्होंने असं कहने जिदे बारे जो प्रॉब्लम्स आन तो बच्चा उन्होंने क्लीयर ना कर पाए तो स्टडी करने का सुपना जो कई बार साकार नहीं हो पाता सो मैं ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फेयर के बच्चा तो उन्होंने IELTS एक्सपर्ट सुमित कौर जी मेरे नाल ने उन्होंने गलबात करना चाहूँगा IELTS को लैके सो मैम पहले तो बहुत बहुत स्वागत सत श्रीकाल जी सो मैं जी बहुत देखे IELTS को लेकर बच्चों के प्रॉब्लम्स आ रही हैं देखो इंग्लिश पढ़ी जरूर है 12 साल 14 साल बट सिर्फ एज अ सब्जेक्ट बोली नहीं क्योंकि यूज टू नहीं है लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ नहीं होंगी उस चीज़ को लेकर भी देख दो भी आ प्रॉब्लम जी IELTS को लेकर इंग्लिश को लेकर आ रही हैं हाँ जी जरूर जी सर तुम्हें क्या सही गल है असी पढ़ी हुई है लैंग्वेज असी अपने स्कूल पढ़ते हैं कॉलेज पढ़ते हैं बट क्योंकि असी बोलते नहीं है ज़्यादा तौर पर तो साड़ी फ्लूएंसी मेनटेन नहीं रहती है इस करके वैन वी ट्रेन द स्टूडेंट्स वी ट्रेन दैम नॉट ओनली ऑन इंग्लिश बट किमें इन्होंने यह IELTS एग्जाम पर्टिकुलरली क्लीयर करना है फॉर एग्जाम्पल अगर वो राइटिंग ऐसे लिख रहे हैं असी स्कूल ऐसे लिखे है असी कॉलेज लिखे है बट कैम्ब्रिज की एक्सपैक्ट करता उन्होंने तो असी वो ग्राउंड उन्होंने दसते हैं ताकि वो पर्टिकुलरली कैम्ब्रिज को ध्यान रख के उन्होंने टेस्ट डिजाइन किया है तो उन्होंने हिसाब से लिखे ताकि वो क्लीयर कर सके की प्रॉब्लम्स आउंदी ने बेसिकली की क्वेरीज करता बच्चा थोड़े को आके मैं किहड़े मॉड्यूल दे विच प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो क्यों आउंदी ने मैं क्योंकि शेयर करना चाहना एक प्रोफाइल नाल रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम सेम बच्चों को भी आउंदी उन्होंने भी इसे शो थ्रू वो जवाब मिल जाएगा किस तरह के प्रॉब्लम्स ने यूजुअली जो बच्चे साढ़े को आते हैं उन्होंने रीडिंग और राइटिंग 2 मॉड्यूल्स ने वैसे 4 मॉड्यूल्स ने लिसनिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग बट ज़्यादातर बच्चों राइटिंग और रीडिंग में प्रॉब्लम आती है उसका बेसिक कारण सिर्फ इन्ना ही है कि अपने स्कूल कॉलेज सानू आदत नहीं होंगी है किताबा ज़्यादा पढ़न की तो जो असं पढ़ना शुरू करते हैं IELTS वास्ते सानू थोड़ा जो औखा लगता है
अदर दैन दैट जो राइटिंग है क्योंकि सानू नहीं पता कि कैम्ब्रिज की एक्सपैक्ट कर रहा है उन्हों का तरीका की है लिखन का, इस करके भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो यह जो मॉड्यूल अस ज़्यादा तो ज़्यादा फोकस करते हैं वो स्पीकिंग इज़ अनादर मॉड्यूल ज क्योंकि आदत नहीं है बोलन की, तो बच्चे ज़्यादातर थोड़ा जहा हिचकते हैं, नहीं बोल पाते, हेजिटेशन होती है। से वी गिव दैम ग्रुप क्लासिज, वी टॉक टू दैम ऑन डेली बेसिस, एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे स्पीकिंग का सैशन होता है, तो ज़्यादा तो ज़्यादा उन्होंने बोलन पर इनकरेज किया जाता है। सो कोई भी फर्क नहीं है जी IDP या ब्रिटिश कौंसल के चाइल्ड्स में लैके भी कोई प्रॉब्लम है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी गलबात की जा सकती है, नंबर चल रहा है डिग्री स्क्रीन से, उस कॉल कर सकते हो। जी की नाम है? करमन सिंह। करमन, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी अफेयर के आए हो? हाँ जी। की क्वेरी लैन, की सोच लैके आए? ये इधरों मेरे पहले भी रिलेटिव सीखे उन्होंने हो गया, तो वही सोच के मैं आया कि मेरा भी साढ़ा भी लग गया कैनेडा। कैनेडा की किया था? मैं 12th पास की है, तो मैं आइलेट्स की हुई है। की व्यूज, की फीडबैक है हम तक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी? सारा कुछ वधिया जी, सारे कॉलेज छेती छेती मिल रहे हैं, तो छेती छेती वो सपोर्ट करते हैं पिछों, तो इन्हों की काफ़ी परसेंटेज है वीजा लगाने, यही सोच बहुत वधिया लगे जी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी आके। किस कंट्री के लिए क्वेरी ले रहे हैं? कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया। कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया। क्या प्रोफाइल ला रहे हैं? क्या किया हुआ प्रोफाइल? आई हैव डन बीकम ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या रिसर्च, क्या होमवर्क करके आए हैं, किन कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज में जाना चाह रहे हैं? आई बेसिकली लुक्ड इनटू जॉर्ज ब्राउन यूनिवर्सिटी एंड मैकवायरी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी। व्हाई यू प्रेफरिंग ओनली दीस यूनिवर्सिटीज? एक्चुअली माय ब्रदर राइट नाउ इज इन ऑस्ट्रेलिया, सो ही सजेस्टेड मी टू यू नो टेक टू लुक ऑन टू दैट यूनिवर्सिटीज। ओके, यू आर नाउ अ पार्ट ऑफ दिस अफेयर नाउ। या व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस? किच ऑफ या what you want to say about this fair, how's it going? Yeah, it's pretty good. I have just interacted with one college and it's pretty nice. And what's the advantages for the students for this type of fairs? And they get to know about, you know, they get to, you know, interact with the different kind of universities, so they, you know, their queries get solved. सो यूके तो यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड शहर तो शेयर्स मेरे नाल ने, उन्हों तो यूनिवर्सिटी बारे तो थोड़ा जहा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी बारे जानेंगे। यूके की बहुत ही वधिया यूनिवर्सिटी जिन्हों तो शेयर्स साढ़े नाल ने। शेयर्स, टेल मी समथिंग अबाउट ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एंड योर यूनिवर्सिटी। सो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हैज बीन वर्किंग विद द यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड फॉर अबाउट 16 इयर्स। इट्स वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट पार्टनर्स, दे आर आवर ट्रस्टेड एजेंट इन इंडिया एंड दे रिप्रेजेंट अस अक्रॉस ऑल ऑफ इंडिया। What the kind of courses that we offer, they are very well represented by Global Opportunities, and what we try and do is just recommend that you speak to them whenever you'd like to come to the University of Hertfordshire. Yeah. And what type of programs you have in your universities? So we have 10 schools of study, including engineering, computer science, law, business, just to name a few. Our most popular programs in India are computer science and engineering. Most of our courses are professionally accredited and also get you ready for the world of work. And a unique thing about our computer science program, it has a one-year work placement, which is obviously quite unique to the UK. Yeah. Thank you very much to be part of our show. No, thank you. Thank you very thank much. Thank you, Shaz. सो इस शेयर्स यूके हार्टफोर्ड यूनिवर्सिटी तो हार्टफोर्ड शेयर यूनिवर्सिटी तो उन्होंने ग्लोबल अपॉर्चुनिटी बारे अपने विचार पेश किए जो कि उन्होंने ट्रस्टी जेंडर के बच्चों ने। तुम यूके बारे इन्हों यूनिवर्सिटी बारे प्रोग्राम्स बारे कोई भी जानकारी चाहते हो, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी तक रबता कायम किया जा सकता है, आओ मिलते हैं कुछ होर यूनिवर्सिटीज। सो अलग अलग कंट्रीज तो साढ़े नाल रिप्रजेंटेटिव जुड़ रहे हैं, उन्होंने मिलने का जोड़ा मेन मोटिव यही है भी सही जानकारी, सही प्रोग्राम्स बारे, ऑपरचुनिटीज़ बारे, ऑप्शन बारे थोड़े तक जानकारी पहुँचाई जा सके। इसे थ्रू अज हूँ साढ़े नाल यूके तो भी बासवा यूनिवर्सिटी तो जगत पटेल जी ने। जगत जी, टेल मी समथिंग अबाउट योर यूनिवर्सिटी, योर प्रोग्राम्स। श्योर। Basically, we are very creative universities where we are doing courses like design, fashion, and that's our main forte, but we do business also. We are ranked in the top 5 universities in the UK for arts and fashion. And we are in a city called Bath. If you look at this, it's about 1.5 hours away from London, so not very far. Plus, we have a campus also in Dubai. So we teach some of our management courses there as well. So representatives nu milan da silsila jari hai je Chekan University to Varun Gupta ji mere naal ne jo ki Varun Gupta ji unna nu represent karde ne. Varun ji, pehle to swagat hai show de vich. Thank you sir ji. Sir, Australia aaj main kahunga bahut zyada confusion da karan baneya hoya jadon to SVP introduce dwara hoya SSVF de roop de vich ik keh liye simplified student visa frame saukha ya aukha pata nahi ki hoya, main thode to puchna chahunda. Sir, it has actually not made any difference to it. So
what the SSV have basically made has given the ratings to the university, and the Australian government is now assessing the application based on the university rating. So this is what the major change is. So nothing major apart from this has changed actually. Sir, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸੋ ਡੀਕਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇ ਜੋ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਸੋ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹਮ ਦੇਖਤੇ 65-70% ਮਾਰਕਸ ਇਨ 12th ਕਲਾਸ ਐਟਲੀਸਟ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਆਫ 6 ਓਵਰਆਲ, ਨਥਿੰਗ ਲੈਸ ਇਨ 6, ਔਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹਮਾਰੀ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ सेक्शन वाइज यूनिवर्सिटी के हिसाब से 50-60% मार्क्स विद आईएलटीएस बैंड ऑफ 6.5, नथिंग लेस देन 6 इन ईच बैंड। जे पंजाब मार्केट की गल करिए, कुछ नेगेटिविटी है यूनिवर्सिटी के मन दे विच या कोई प्रॉब्लम नहीं है जो बच्चा जेन्युइन है? सी नेगेटिविटी मैं तो नहीं कहूँगा, हम हर तरीके से कोर्स हम सारे बच्चे स्टूडेंट्स पिक कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब है चाहे गुजरात है। हाँ ये कहूँगा कि वहाँ फिल्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि स्टूडेंट्स की जो आयल्स रिक्वायरमेंट है वहाँ थोड़ी सी वीकनेस जो देखी हमने वहाँ देखी। और जो लगता नहीं है स्टूडेंट पे ज़्यादा ध्यान करें कि बजाय कंसल्टेंट पे ध्यान देना चाहिए, जिनको टाई अप दे रहे हैं उसको वो उस बंदा सही होना चाहिए? डेफिनेटली वो बहुत मैटर करता है, कंसल्टेंट की रिपूटेशन पर बहुत मैटर करता है। कंसल्टेंट किस तरह से, क्या प्रोसेस है कंसल्टेंट का, कितना जेन्युइन है, क्या फीस चार्ज करा है क्या नहीं चार्ज करा, दैट मैटर्स अ लॉट डेफिनेटली। सो इसकी रिपूटेशन सिर्फ पंजाब में नहीं, ऑल ओवर इंडिया मैं कहूँगा देखनी जरूरी है, वो काउंट करते हैं बहुत जरूरी। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या कहना चाहिए? सो हमारा एसोसिएशन काफ़ी अच्छा है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, ऑलमोस्ट नाउ 2 ईयर्स एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के हम ऑल ओवर इंडिया ऑफिस के साथ काम कर रहे हैं। अभी तक जो उन्होंने हमें बच्चे दिए हैं, देर ऑल वेरी गुड क्वालिटी स्टूडेंट्स, एंड आई रिकमेंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स टू इफ दे आर लुकिंग फॉर एन एजुकेशन अब्रॉड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गलबात कर ली। सो ऐसी जी डेकन यूनिवर्सिटी तो वरुण गुप्ता जी, जिन्होंने ग्लोबल अपॉर्चुनिटी बारे थोड़ा कहा जी, तुम यूनिवर्सिटी बारे उन्होंने प्रोग्राम बारे कोई जानकारी चाहते हो तो उन्होंने तक गलबात की जा सकती है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के नंबर चल रहे हैं, असं मिलावे थोड़ा होर यूनिवर्सिटीज के नाल, आओ मिल रहे हैं। सो सिलसिला जारी है जी रिप्रजेंटेटिवस में मिलन का, मेरे नाल यूके यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स तो मनीषा जी, जो उन्होंने रिप्रजेंटेटिव ने, उन्हें पहले स्वागत कर रही हैं। मनीषा जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। मनीषा जी, मैं थोड़ा सा आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाहूँगा, मैं चाहूँगा भी आप हमारे दर्शकों को उनके बारे में बताइए। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, 110 साल पुरानी और आप कहें कि 115 साल पुरानी है। हम कोर्सेज अंडर ग्रेड में ऑफ़र कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेड में ऑफ़र कर रहे हैं, रिसर्च में ऑफ़र कर रहे हैं, और ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। हम प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं बिजनेस में, अकाउंट्स, फाइनेंस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, डिज़ाइन, तो सारे प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। बस वी डोंट ऑफर टूर एंड ट्रैवलिज्म और हॉस्पिटैलिटी, अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। एकोमोडेशन भी सारे, बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, करीब 30,000 इंटरनेशनल, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में 30,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अभी, उसमें से 5,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और 300 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ देखते हो, जब एक ही यूनिवर्सिटी में बच्चे इंटरनेशनल भी आ रहे हैं, नेशनल लोकल भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो इंटरनेशनल एक्सपोजर कहीं ना कहीं बच्चों को मिलता है, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। इंडियन स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है उनको 30,000 बच्चों के बीच में, एक तो वो पढ़ रहे हैं, ऊपर से डिफरेंट कंट्रीज से, अलग अलग कंट्रीज से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल जाता है। दस रही ने काफ़ी वधिया प्रोग्राम्स, काफ़ी चंगे प्रोग्राम्स हर तरह के जो स्ट्रीम के बच्चों लिए उन्होंने को मौजूद ने। जे थोनों कोई भी अपनी प्रोफाइल बारे जानकारी चाहिए तो मनीषा जी यूनिवर्सिटी लई ग्लोबल अपॉर्चुनिटी का प्राप्त उन्होंने नंबर पर कॉल करके या विजिट करके जानकारी जी साझी की जा सकती है। सो अज ग्लोबल अपॉर्चुनिटी वालों किए बहुत वड्डे उपराले, जो ग्लोबल फेयर है 2016 वो असी आके शूट करके दिखाने की कोशिश की, थोड़ा प्रॉपर जानकारी देने की भी फेयर दे विच की कुछ होंदा, की कुछ होया, जिहड़ा इन्ने वड्डे पद्धर ते फेयर होया उहदे विच बच्चों का व्यूज़ की सीगा, बच्चे किस तरह के सवाल लेके आए थे, किस तरह की उन्होंने प्रोफाइल सीगियां, रिप्रजेंटेटिवस नाल असी गलबात की, उन्होंने प्रोग्राम्स बारे, उन्होंने इंस्टीट्यूशनस बारे गलबात की, तो हर वो नॉलेज थोड़े तक पहुँचाने की कोशिश की, जो मेरे ख्याल एक एक कंसल्टेंट को जाके एक एक रिप्रजेंटेटिव सद्दा दे के अलग अलग समय पर करनी जी थोड़ी नामुमकिन लगती है। इको जगह पर इन्ने रिप्रजेंटेटिवस में मिल के असी कोशिश की थोड़ा आस्ट्रेलिया बारे, कैनेडा बारे, यूके बारे या होर भी कंट्रीज़ बारे जानकारी देिए, ताकि सही जानकारी तुसी जिहड़ी कंट्री विजिट करना चाहते हो थोड़े तक पहुँच सके। ये सारा उपराला रहा सिद्धार्थ जी का, वो भी मेरे नाल ने, पहले तो सर बहुत बहुत मुबारक, इन्ना वधिया जिहड़ा फेयर ऑर्गेनाइज होया, थैंक यू वधिया फेयर दे लई, थैंक यू अमन जी, थैंक यू। कोई खास गलबात कहना चाहो जी अज्ज दे फेयर दे विच?
अमन जी, आई एम वेरी हैप्पी कि अज साढ़े फेयर ते अराउंड 1000 तो ज़्यादा बच्चे आए हैं, तो मैं देख के बड़ी खुशी हुई है कि जो बच्चे आए हैं बहुत हाई क्वालिटी के सी। नॉर्मली जो बच्चे आए सारे ने अपनी आयल्स की सी, तो साड़ी कोशिश रहती है कि आप बच्चों करैक्ट एडवाइस दे के उन्हों की मर्जी की यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप दवा के उन्हों की मर्जी के कंट्री से भेजिए। तो साड़ी यह कोशिश जारी रहेगी कि आप बच्चों उन्हों की मर्जी की यूनिवर्सिटी दवाते रहिए, उन्हों की मर्जी की कंट्री दवाते रहिए। सो उपराला रहे जी देश प्रदेश की टीम वालों भी खासकर विजिट करके जो कि सदा दिता गया सिद्धार्थ जी वालों भी सैमीनार कवर किया जाए ताकि सही एडवांटेज जिहड़े बच्चे घर भी बैठे देख रहे हैं उन्हां तक भी पहुँच सके। थोड़े मन दे विच कोई भी सवाल आ रहा है, तुसी पूछना चाहते हो, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी के नाल जिहदे रिप्रजेंटेटिव नाल असी गल की है, तुसी यूनिवर्सिटी के विच एडमिशन लेना चाहते हो, उन्हां नाल गलबात करना चाहते हो, तो सारिया ने दस्सिया ग्लोबल ऑपरचुनिटी उन्होंने जो ऑथराइज पार्टनर ने, तुसी उन्होंने नंबर टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, कॉल करके मैसेज करके या ऑफिस जो भी थोड़ा नेड़े पैंता उसे विजिट करके जानकारी प्रॉपरली जी हासिल कर सकते हो। सो सिद्धार्थ जी को बहुत बहुत मुबारक तो धन्यवाद सारे दर्शकों का जोड़े साढ़े नाल इस शो के जुड़ते हैं, तो बच्चों का जो नवे नवे सवाल सूँ भेजते हैं जिन्हें सदका अं शो कर पाने। सो अज के शो में इतने खत्म करते हैं, अपने दोस्तों मनु देव इजाजत, धन्यवाद, सत श्री अकाल।